गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न द एडिशन ऑफ कैपेसिटी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू थ्री फोर सेवन एंड यहाँ है लीटर एंड यहाँ आपका लिखा होगा मिलीलीटर. ओके, तो ये है लीटर एंड यहाँ मिलीलीटर. इधर आप लीटर वाली जो टर्म्स है वो लिखेंगे एंड इधर मिलीलीटर वाली हम लिखेंगे. तो थ्री टू थ्री टू, अब हम इसे ऐड करेंगे. तो आप जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं, आपको बस वैसे एडिशन करना है. बस यहाँ हमारे पास जो यूनिट है, कैपेसिटी की यूनिट हमारी जो होती है वो होती है तो लीटर एंड है मिलीलीटर. तो आपको पता है अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई चीज़ है, लिक्विड है, तो आप उसे लीटर में मेजर करते हैं. अगर आपके पास कम क्वांटिटी में कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसे आप ml में मीन्स मिलीलीटर में मेजर करते हैं. ठीक है, तो आज हम इनका एडिशन करेंगे. तो आप एडिशन में सबसे पहले क्या करते हैं, वंस वाले कॉलम को आप सॉल्व करते हैं, देन टेंस वाले को, फिर हंड्रेड्स वाले को, देन थाउजेंड्स वाले को. ओके, तो हम सबसे पहले वंस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे. तो सेवन एंड टू को आप ऐड करेंगे. अगर सेवन एंड टू को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर होगा नाइन. ओके, नेक्स्ट है फोर एंड थ्री, ये है हमारा टेंस वाला कॉलम. तो टेंस वाले कॉलम में है यहाँ फोर एंड थ्री, तो फोर एंड थ्री को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा सेवन. नेक्स्ट यहाँ है आपका हंड्रेड्स वाले कॉलम में थ्री एंड टू, थ्री एंड टू को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा फाइव. अब यहाँ है, देखो ये है आपका लीटर वाला कॉलम, मींस ये है आपका थाउजेंड वाला. ठीक है, तो टू एंड थ्री को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर होगा फाइव. ठीक है, तो आप इसे कैसे रीड करेंगे, फाइव थाउजेंड है ना, 579. बट ये क्या है, लीटर एंड मिलीलीटर में, तो हम इसे नॉर्मली रीड नहीं कर सकते, इसलिए हम रीड करेंगे 5 लीटर एंड 579 मिलीलीटर. ओके, तो इस तरह से आपको इसे रीड करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 31, यहाँ है 241752. आपको इसे अब ऐड करना है. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड किया है वैसे ही आपको इसमें भी ऐड करना है. यहाँ पे बस हमारे पास थी फोर डिजिट्स एंड यहाँ है आपके पास में फाइव डिजिट्स. ओके, तो यहाँ फाइव की जगह आपके पास में सिक्स डिजिट्स भी आ सकती है. पर आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप ऐड करते हैं टू डिजिट्स को, थ्री डिजिट्स को, वैसे ही आपको फोर फाइव सिक्स या सेवन कितने भी डिजिट्स आ गए आप ऐड करते जाइए, आपका आंसर एकदम करेक्ट ही आएगा. तो वंस वाला जो कॉलम है हमारा उसमें है वन एंड यहाँ है टू, तो वन एंड टू को हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा थ्री. अब आप यहाँ देखो फोर एंड यहाँ है फाइव, फोर एंड फाइव को आप ऐड करेंगे तो आंसर होगा हमारा नाइन. ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ हंड्रेड्स वाला कॉलम. तो हंड्रेड्स वाले कॉलम में ऊपर है हमारे पास टू एंड यहाँ है सेवन, टू एंड सेवन होगा हमारा नाइन. ठीक है, तो ये मिलीलीटर वाला जो हमारा ब्लॉक था ये कंप्लीट हो गया. अब हम लीटर वाले की बात करते हैं. यहाँ है आपका कौन सा कॉलम, ये है आपका थाउजेंड्स कॉलम. तो थाउजेंड्स वाले कॉलम में यहाँ सेवन एंड यहाँ वन, तो सेवन एंड वन कितना होगा स्टूडेंट्स, एट. एंड लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें है आपका टू एंड थ्री, तो टू एंड थ्री को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर होगा फाइव. तो 58 लीटर्स एंड 993 मिलीलीटर्स. तो इस तरह से आपको इन्हें रीड करना है. तो ये जो आपके एडिशन था ये था विदाउट रीग्रुपिंग. अब जो हम एडिशन करेंगे वो होगा रीग्रुपिंग वाला. तो हम एडिशन स्टार्ट करते हैं 23 5 3 8 94 9 8 7. तो आपको इसे अब ऐड करना है. तो एडिशन आप सभी को आता है. ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम को हम पहले ऐड करेंगे, 8 एंड 7 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 15.
और 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे एड, यहाँ ये सेकंड वाले कॉलम में कैरी हो जाएगा। तो 1 एंड 3 हो गया आपका 4, 4 एंड 8 इज 12, तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे एंड यहाँ पे ये 1 कैरी हो जाएगा। अब इस कॉलम को आप ऐड करो तो 1, 5 एंड 9 आपको इन तीनों को ऐड करना है, तो 1 एंड 5 6, फिर 6 एंड 9 15, तो 15 का 5 हम यहाँ लिखेंगे। अब जो आपका 1 है वो इस कॉलम में लेटर वाले कॉलम में कैरी हो जाएगा। कौन सा कॉलम है ये? ये आपका हो गया 1000 वाला कॉलम। ओके, तो अब आप इसे ऐड करें, 1 एंड 3 होगा आपका 4, 4 एंड 4 हो गया यहाँ पे 8, यहाँ देखो 2 एंड 9, 2 एंड 9 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 11। तो आप इसे कैसे रीड करेंगे? 118 लीटर्स एंड 525 मिलीलीटर्स। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, 25, 8, 8, 1 and 3, 6, 2, 3, 2. अब इसे आप ऐड करेंगे, देखो यहाँ आपके पास वंस वाले कॉलम में है 1 and 2, आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? हमारा आएगा यहाँ पे 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, ये था आपका मिलीलीटर वाला कॉलम। तो देखो इसके आपके जो टेंस वाले कॉलम में है वो क्या है? 8 and 3। अब 8 and 3 को आप ऐड करो, 8 and 3 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 11। अब 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे एंड ये वाला 1 यहाँ कैरी हो जाएगा थर्ड वाले कॉलम में, मींस 100 वाले कॉलम में। अब 1, 8 and 2 को आप ऐड करेंगे तो 1 and 8 होगा आपका 9 एंड 9 and 2 कितना हो जाएगा? 9 and 2 होगा आपका 11। तो 11 को 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे एंड यहाँ 1 कैरी हो जाएगा इस कॉलम में। अब 1 and 5 and 6 को आपको ऐड करना है, तो 1 and 5 हो गया 6 एंड 6 and 6 कितना होगा? 12। तो 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। तो 1 and 2, 3, फिर 3 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 6। तो 62 लीटर एंड 113 मिलीलीटर का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको इन्हें रीड करना होता है। कैसे रीड करते हैं हम? 62 लीटर एंड 113 मिलीलीटर। तो जो एडिशन है आपकी कैपेसिटी टॉपिक से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं आपकी बुक के। ओके,